देखिए ऑब्जेक्शन फॉर्म का जो गवर्नमेंट ने डेट दी थी 27 तारीख, आज उसकी आखिरी तारीख आ चुकी है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के अलावा पूरे ज़िले के अंदर, आठों ज़िले के अंदर इसके ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे गए हैं और आज औरंगाबाद के ताल्लुकों से और औरंगाबाद शहर से जो है ऑब्जेक्शन फॉर्म आज आखिरी दिन होने की वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दारुल सलाम से तकरीबन यहाँ पर 80,000 से 90,000 के बीच में फॉर्म कंप्लीट करके लाए गए हैं और उसी तरह दूसरे भी कई तंजीमों ने और हिंगोली से, अजंता से, ज़िले के कई मुकाम से लोग आए। तो मेरा ऐसा मानना है अभी 2.5-3 लाख तक फॉर्म आज हो गए हैं और आखिरी मतलब 6 बजे तक हो सकता है इंशाल्लाह ये आंकड़ा जो है 3.5 से 4 लाख के बीच में रहेगा और 3.5 से 4 लाख जो फॉर्म जो है तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन के दाखिल करेंगे। सिंधेगढ़ का भी दावा है 3 लाख फॉर्म लाने का। देखिए बीजेपी और सिंधेगढ़ वालों को ये समझना चाहिए कि वो बिन बुलाए मेहमान आए हुए, गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन मंगाया, अगर उनके ऑब्जेक्शन होगा इसके ऊपर तो बिल्कुल वो हमारे फॉर्मों के अंदर दाखिल करे और इसी के साथ भर दे हो, लेकिन उनको बुलाए नहीं, बिन बुलाए मेहमान लेके आ गए आपने, तो वो सबसे पहले तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इनको बुलाया कौन, इनसे मंगाए क्या आपने, जब नहीं मंगाए तो इनके फॉर्म एक्सेप्ट होने का सवाल ही नहीं आता। ये चुप, ये सियासी अपने दुकान रोटे चला रहे, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आके जी। कोर्ट से क्या उम्मीद? देखो कोर्ट के ऊपर अभी भी उम्मीद कायम है हमारी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाकर आप लोग आइए, तो आज हाई कोर्ट के अंदर डेट है, अभी 4 बजे तक का टाइम जो है तो उसके ऊपर दिया गया है कि 4 बजे आपका मैटर लगेगा, लेकिन देखते हैं क्योंकि कोर्ट है, हमारे को पता है कि इसके ऊपर तारीख पे तारीख मिलते रहती है कोर्टों के अंदर, तो देखते हैं आज तारीख मिलती है या कुछ उसके अंदर रिलैक्स होता है, हमारे को रिलीफ मिलता है। इंशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं, पूरी औरंगाबाद की आवाम भी दुआ कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करेगा हक में बेहतर करेगा। सही तौर पर इस औरंगाबाद शहर के जो नामांतर हुआ है, मैं एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और जो जनमानस की भावना थी वो भावनाओं को लेकर आज छत्रपति संभाजी नगर ये नामांकन हुआ, उसका समर्थन भरने लिए हम शहर अध्यक्ष श्री जी बोराड़कर इनके नेतृत्व में कम से कम 2 लाख फॉर्म आज जमा किए हैं। फॉर्म भरना चालू है अभी, वो रुकेगा नहीं, लेकिन ये समर्थन ये महाराष्ट्र के लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस औरंगजेब ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था उसके नामों निशान मिटाने के लिए, उसकी स्मृतियां मिटाने के लिए ये छत्रपति संभाजी नगर का समर्थन दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने इसको घोषित किया है और उसी को लेके हम ये समर्थन दर्ज कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी सिंधेगढ़ नहीं, हम सकल हिंदू समाज की ओर से हम लोग जितनी छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के सपोर्ट में ये हमने निवेदन हमने दिया है और ये निवेदन लगभग 2 लाख है। शहर के हर कोने से लोगों ने ये समर्थन पत्र दिया है, इसमें हर समूह के लोग हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हिंदू तो है, हिंदू समाज तो है, बट कुछ मुस्लिम समाजों ने भी हमें निवेदन पत्र दिए हैं कि हम छत्रपति संभाजी महाराज को सपोर्ट करते हैं। मामला अभी कोर्ट में है, क्या कहेंगे उस पर? कोर्ट के मामले से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप कोर्ट को मानेंगे नहीं? हम कोर्ट का मामला क्या है, कोर्ट डिसीजन लेगा, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, हमें जो समर्थन मिल रहा है लोगों का वो हम पहुंचा रहे हैं सरकार की ओर। थैंक यू। बार 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 बार
एक्सेलेंट गाड़ी एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट।